जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, नीमच मंडी में आज जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला है सुबह 10:30 बजे के आसपास से, और काफ़ी नुकसान किसान भाइयों का आज हुआ है। यह है लहसुन मंडी की स्थिति, देख सकते हैं आप, लगभग नीलाम हुआ ही नहीं था, 1 घंटे तक नीलामी ही चली थी और जोरदार पानी गिरा है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ माल ये देख सकते हैं आप गाड़ियों में वापस जा रहा है क्योंकि माल काफ़ी गीला है, और जिनका सूखा है थोड़ा बहुत माल, वो जैसे जैसे पानी अभी बंद हुआ है छपरों में माल ले जा रहे हैं और छपरों में नीलाम चालू हो चुका है। तो ये बाहर की स्थिति आप देख सकते हैं, 10:30 बजे से 2:30 बजे के आसपास, 2:15-2 बजे तक पानी जोरदार ही है, 2 बजे तक तो इतनी लंबी देर तक बरसात होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। और लहसुन के साथ साथ सोयाबीन, मूंगफली, गेहूँ, मक्का, रायड़ा, अलसी, मेथी, चना, सभी जिन्सों की हालत ऐसी देखने को मिली और किसान भाइयों को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो आप सतर्क कर रहे हैं, जब भी मंडी आए तो मौसम को नेट पर सर्च करें, जैसे आज नेट पर बता भी रखा था और मौसम विभाग ने भी बता रखा था बारिश का दौर, मगर किसी ने भी कोई पालन नहीं कर रखा है। तो ये थोड़ा सतर्कता भी रखें क्योंकि नुकसान तो अपना ही होगा और किसी का नहीं होगा, माल सिर्फ अपना गीला हो रहा है, नुकसान भी अपना हो रहा है। तो देख लेते हैं पूरी खबर, वीडियो तो अच्छा नहीं है मगर हमारा कार्य है आपको सतर्क करने का, जानकारी देने का, मंडी की चाहे अच्छी हो या बुरी हो, ये खबर तो बुरी और ख़राब है क्योंकि नुकसान वाली खबर है, मगर हमारा कार्य है तो हमें आपको बताना तो पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति आज मंडी में क्या रही, कितना नुकसान किसान भाइयों को हुआ है ये बेमौसम बरसात की वजह से। देख लेते हैं ये पूरी रिपोर्ट अंत तक। दोस्तों, किसान मित्र इनका माल बिक चुका है लगभग, कई नाम दादा? राम गोपरा जी। कटे से हो? बारा जिले से, पाड़लिया गांव से। कई भाव बिकी लहसुन आपकी? 7,851। 7,851 कसी थी? 52 बॉक्स क्वालिटी का। कतरा लाट कतरो माल तो 14 बॉक्स का। सुबह बिक्यो की आवाज बिक्यो? अभी बिका पानी में बिक्यो आवाज। कटे भारी? और 14 बॉक्स का इनका लोड बिका है अभी दिन में, और अच्छा बिका है, टॉप क्वालिटी का माल। दोस्तों, 2 बजे का समय है अभी और 10:30 बजे से लगातार पानी आ रहा है, अब जाके कुछ कम हुआ है मगर फिर भी पानी है, काफ़ी नुकसान हुआ है। ये रायड़िया मंडी है, नीलामी नहीं हो पाया क्योंकि पानी जोरदार गिर रहा था और माल सब बाहर था। ये अब नीलाम चालू हो रहा है और ये माल देखो अब स्थिति, तो ये माल अंदर खाली होने लग रहा है जो बाहर से अंदर ले रहे हैं क्योंकि पानी बंद हो नहीं रहा है। ये अलसी और रायड़े की स्थिति आप देख सकते हैं। दोस्तों, बरसात की वजह से अलसी की स्थिति देख सकते हैं आप, क्योंकि अलसी और पानी में तो बड़ा बेकार काम है, पानी लगते से ये अलसी की स्थिति ऐसी हो जाती है। एक ये लॉट है अलसी का, एक ये लॉट है, ये डल्ले बनने लग गए अलसी के, एक ये लॉट है, तो हालत काफ़ी ख़राब। दोस्तों, ये स्थिति आप देख सकते हैं मक्का फील्ड की, मक्का का क्षेत्र जहाँ पानी की वजह से आप देख सकते हैं, तो लगभग ये मंडी में पूरी स्थिति आपको ऐसी देखने को मिलेगी, हर जगह काफ़ी नुकसान हुआ है, पानी लगातार गिर रहा है और मैं आपको ये वीडियो की सेवा देने का प्रयास कर रहा हूँ, पानी कुछ कम हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों आगे स्थिति, ये छपरों में जो माल था वो तो लगभग नीलाम हो गया, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आई है और कोई किसान भाइयों को नुकसान भी नहीं हुआ है उसके अंतर्गत। इसके अलावा बात किया जाए बाहर जो माल है, ये गेहूँ और मक्का का फील्ड है, ये 2:15 से 2:30 के आसपास का समय हो रहा है, सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है नीलाम गेहूं का, मक्का का, 10 और नीलाम हुआ ही नहीं क्योंकि पानी इतना तेज़ आया कि नीलाम कैसे होए, तो जो छपरों में था तो फिर छपरों में तो नीलाम हो गया और ये सारा माल बचा हुआ है। आप ये देख सकते हैं गेहूं और मक्का का क्षेत्र है ये, जहाँ पर सारे ढेर हैं आपको दिख रहे हैं ये, और सब पाल से ढके हुए हैं मगर नीचे से तो सब गीले ही हुए होंगे, 4 घंटे से लगातार बारिश है, 3-3.5 घंटे से लगातार, और अभी भी फुहारें और छींटे छींटे आ ही रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति, और कल गुरु नानक जयंती का अवकाश है, ये मक्का बिना ढकी हुई है,
तो कुल मिलाकर एक दो दिन की धूप लगाकर ही लानी पड़ेगी अब तो। तो ये पूरी स्थिति मंडी की आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, सोयाबीन मंडी की स्थिति देख सकते हैं आप, और छींटे छाटे अभी भी चल रहे हैं। सुबह से 10:30 बजे से मौसम ऐसा ही देखने को मिला है और ये अभी 2:30 बजे तक की स्थिति भी ऐसी है। तो अब धीरे धीरे कुछ छींटे छाटे हुए हैं, तो कुछ देख सकते हैं आप स्थिति हलचल होने लग रही है मंडी में। अब कई नीलाम चालू हो चुके हैं, जो छपरे छपरों में माल आ चुका उनका, और ये सोयाबीन प्लेटफॉर्म की स्थिति आप देख सकते हैं। लगभग सभी ढेरों के ऊपर आपको त्रिपाल दिखेंगे, मगर नुकसान तो हुआ है, त्रिपाल ऊपर से ढका हुआ है, नीचे तो पानी है ही है, पानी रिस के आ ही रहा है। और तो कुल मिलाकर आज का दिन किसान भाइयों के लिए नुकसान वाला दिन रहा है। सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, अलसी, रायरा और लहसुन की विशेषकर स्थिति ज़्यादा ख़राब है। ये पूरी स्थिति आप देख सकते हैं। लहसुन की तो भाव में भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, और भाव के साथ साथ में आज पानी की वजह से काफ़ी मार पड़ी है। ये देख सकते हैं पानी, अब बहुत पानी में जो अभी आपको स्थिति बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कम पानी आ रहा है, अभी बिल्कुल छींटे छाटी आ रहे हैं उस स्थिति में मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप देख सकते थे उस समय जोरदार पानी के अंतर्गत तो आना भी संभव नहीं था। ये ऐसे पानी दिख रहे हैं, ऐसे बहते बहते हुए जा रहे थे पानी हर जगह से, तो काफ़ी नुकसान जैसी स्थिति बनी है आज। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर तो पाल ढका है, मगर नीचे ये देख सकते हैं पानी कैसे जमा हुआ है, और इसके आगे तो और भी ज़्यादा स्थिति है। चलते हैं, पूरी स्थिति देखते हैं। नीलाम अभी देख सकते हैं, सोयाबीन का वापस से चल रहा है, 2 बजे ये 2:30 बज रहा है तो भी चल रहा है, जो छपरों छपरों में नीलाम होता जा रहा है, जो जो माल बाहर खाली नहीं हुआ या शुरू में तो छपरे बिक गए छपरों में माल, और अभी वापस से छपरों में नीलाम चल रहा है। इस जगह नीलाम मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पानी में नीलाम कैसे होगा, ढेर खोलेंगे उसमें भी गीला होगा। ये देख सकते हैं सोयाबीन की स्थिति, ये मैं आपको हाथ में लेके बता दूँ। ओहो, पूरा गीला माल है, फूल चुका है पूरा, तो धूप लगा के टावर का ही देना पड़ेगा अब तो। ये पूरी स्थिति नीमच मंडी की, और ये पानी की स्थिति अब देख सकते हैं। ये पानी इधर निचला इलाका पड़ता है तो इधर पानी जम जाता है, ये देख सकते हैं इधर पानी बिल्कुल जमा हुआ है। तो यहाँ कुल मिलाकर काफ़ी नुकसान है इस इलाके में, जिन जिन किसान भाइयों के सोयाबीन के ढेर है, क्योंकि ये ढलान का रास्ता है और पानी यहाँ आकर सभी इलाकों से इधर से निकासी निकलती है। तो ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो काफ़ी नुकसान की स्थिति है, और काफ़ी पानी है और इस ढेर की हालत काफ़ी ख़राब होगी जब ये हटाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप इधर की स्थिति। तो कुल मिलाकर बारिश से पूरी मंडी में नुकसान ही नुकसान है। आज का दिन किसान भाइयों के लिए काफ़ी ख़राब वाला दिन है। ये मूंगफली की स्थिति देख सकते हैं आप, ये मूंगफली की स्थिति आप मेरे सामने, मूंगफली ऊपर तैर रही है इस पानी के, ये देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पाँव लगा के तो नीचे आपको ये देखो पानी दिखेगा, ये मूंगफली पानी के ऊपर तैरती भी है पूरी। दोस्तों, ये मूंगफली मंडी की स्थिति देख सकते हैं, कीचड़ कीचड़ हो चुका है पूरा, और हालत पूरी मंडी की ख़राब नज़र आ रही है। ये मूंगफली मंडी पूरा शेड आप देख सकते हैं, पूरा मूंगफली प्लेटफॉर्म, सब माल भारी खाली होता है वैसे भी मूंगफली का तो रोज़ाना, क्योंकि आवके इतनी है। ये पाल से ढका रखा था, जो माल बचा है अच्छा है, ये सब माल आप देख सकते हैं। ये है मूंगफली मंडी की स्थिति। ये मूंगफली मंडी की स्थिति आप पूरी देख सकते हैं। और ये पूरी हालत मंडी की बेकार
आप देख सकते हैं ये मूंगफली मंडी की स्थिति है पूरी। तो सब जगह आपको पाल सी पाल से ढका हुआ देखने को मिलेगा, त्रिपाल ढके हुए सभी जगह पाल पल्ली है। और ये खेत तक अश्वगंधा जहाँ तक मंडी है वहाँ तक पूरे आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा मूंगफली का। सब माल भार है सब, ये जहाँ तक शुरू में नीलाम हुआ बस वहीं नीलाम हो पाया, उसके बाद नीलाम ही नहीं हो पाया क्योंकि नीलाम कैसे हो, पानी ज़ोरदार गिर रहा था कोई खड़ा नहीं रख सकता है। ये तो अभी छीटे छाटी चल रहे हैं जो मैं आपको वीडियो बनाकर ये उपलब्ध करा रहा हूँ जानकारी। 2:30 बजे से 2:45 का समय और 10:30 बजे के बाद से पानी स्टार्ट हुआ। दोस्तों अब देख लसन मंडी की स्थिति अपन, ये सुबह जो माल बिक चुका था वो माल आप देख सकते हैं वो भी ये गीला हो चुका है, पूरा माल गीला हो चुका है। ये बिके हुए माल थे जो सुबह नीलाम हो चुके थे, ये इधर की लाइन क्योंकि हमने जो आपको वीडियो दिया उसमें ये लगभग इस लाइन का सब माल बिक चुका था मगर तुल नहीं पाया, पानी इतना ज़ोरदार था। और तो माल नहीं बिका, तो बताओ इनको, बताओ ये प्रेस वाले, प्रेस वाले बताओ माल बिक गए सर। हाँ माल बकेर के पानी में बीन गया, हम क्या कर रहे हैं बोर हमारे मोर लाके बरसा जी लाग दिया हम। और ये स्थिति देख सकते हैं चलते हैं और आगे, ये तो शुरुआती दौर है तो अभी और आगे की स्थिति देखते हैं, ऐसी देखने को मिलेगी। और माल बिक चुका है मगर माल गीला है, चलते हैं आगे देख लेते हैं ये स्थिति पूरी मंडी की। लहसुन मंडी तो हालत काफ़ी ख़राब है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पानी नीचे कितना जमा हुआ है, वो तेज़ बारिश में कितना निकला हुआ होगा, 3 घंटे तक लगातार पानी ज़ोरदार गिरा है। ये पूरा प्लेटफॉर्म लहसुन का, ये पूरा प्लेटफॉर्म लहसुन का। और ये माल वापस जा रहा है देखो पिकअप गाड़ी में भरा कर, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं पूरी मंडी की, लहसुन मंडी की नीलाम। ये नीमच मंडी लहसुन की स्थिति, तो काफ़ी नुकसान है आज, भाव भी काफ़ी कमज़ोर है और नुकसान भी काफ़ी है। देख सकते हैं पूरा गीला हो चुका माल, ये पिकअप में आयशर गाड़ी में माल वापस जा रहा है। ये स्थिति नीमच मंडी की आप लहसुन की, ये लगभग कट्टे वापस जाते हुए दिख रहे हैं आपको। ये स्थिति नीमच मंडी पूरी लहसुन की स्थिति और ये पाल से ढक रखा, मौसम कुछ खुला है तो पाल हटाया है और ये स्थिति देख सकते हैं लहसुन की। नीलाम इधर हुए नहीं है अभी, अब मौसम जैसे जैसे बरसात कम हो रही है अब छीटे छीटी बूंदाबांदी है और ये पानी देख सकते हैं आप, जैसे वैसे माल को छपरों में और ले जाया जा रहा है। ये स्थिति नीमच मंडी की, आप सभी जगह त्रिपाली त्रिपाल देख सकते हैं, ऊपर से तो माल बच जाएगा ऊपर के कट्टे मगर नीचे के कट्टे नहीं बच सकते हैं क्योंकि पानी बहता हुआ जाता है, तो हालत ख़राब है साहब, बिल्कुल ख़राब है। हाँ, और ये आवक की स्थिति लहसुन की पूरी, तो ये स्थिति आप पूरी देख सकते हैं। पानी अब जैसे रुक चुका है तो अब धीरे धीरे किसान मित्र अपना अपना सुविधा अनुसार माल को या तो कोई ले जा रहे हैं या कोई छपरों में खाली कर रहे हैं। ये स्थिति आप देख सकते हैं पूरी नीमच मंडी की लहसुन की, जो बाहर माल था ये माल वापस जाता हुआ क्योंकि गीला होने से भाव बिकता नहीं मिल सकता है। और ये पानी जमा हुआ, पाचा लीजिए रहो, पाचा लीजिए रहो, लीजिए रहो की कटे से हो झालावाड़, झालावाड़ से दोस्तों। और ये वापस माल को ले जाते हुए क्योंकि
और बारिश की वजह से लगभग पूरी मंडी की स्थिति आपको ऐसी देखने को मिल रही है। तो माल अब लगभग छपरों में जैसे जैसे पानी कम हो रहा है सुविधा अनुसार किसान ने अपना छपरों में माल लाते हुए, तो ये छपरे सब सुबह लगभग खाली थे और अब बाहर से अंदर की तरफ माल आता हुआ और काफ़ी नुकसान की स्थिति है आज मंडी में। तो जैसे जैसे मौसम खुल रहा है माल छपरों में आ रहा है ताकि नीलाम हो जाए, माल सुरक्षित रह सके। दोस्तों माल लगभग जैसे जैसे मौसम खुलता जा रहा है छपरों में आ रहा है और छपरों में नीलाम भी देख सकते हैं चल रहा है। तो ये सब छपरे सुबह खाली थे, सारा माल लगभग बाहर ही खाली था। तो जैसे जैसे बारिश रुकती जा रही है, छींटे कम पड़ रहे हैं, धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है और माल छपरों में आ रहा है। तो जो जो माल छपरों में आएगा वो लगभग बिकता जा रहा है, नीलाम भी चालू हो चुका है और भाव अच्छो तो कोई नहीं कह सके आवाज। और ये स्थिति आप देख सकते हैं, तो लगभग ये छपरों में नीलाम चालू हो चुका है। जैसे जैसे माल किसान बंधु अपना माल छपरे में लेकर आ रहे हैं वैसे नीलाम चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, इधर नीलाम में कार्य चल रहा है और ये भी है माल। आलो तो नहीं हो? नहीं हुआ। इनका माल तो नहीं हुआ, बाकी लगभग बहुत से लोगों का माल गीला ही देखने को मिला है।